जो बस्तर में पिछले कई दशकों से लोगों की सेवा कर रही हैं, वे आदिवासी महिलाओं को शिक्षित और रोजगार से जोड़ने का काम करती आ रही हैं। उनका खुद का जीवन सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। कर्री मणि नायडू और स्वर्गीय नास खान ने मिलकर बस्तर में शांतिपूर्वक आदिवासी महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें रोजगार मुहैया कराने का काम किया। उनके द्वारा संचालित महात्मा गांधी महिला एवं बाल कल्याण संस्थान में आदिवासी अंचल की महिलाओं और बच्चियों को शिक्षा और रोजगार पिछले कई सालों से दिया जा रहा है। ये केंद्र सामाजिक बराबरी का नायाब नमूना है। कोई समाज नहीं है, क्रिश्चियन समाज आएगा, मुस्लिमों का त्योहार आएगा, मुस्लिम परिवार आएगा, बांट के जाएगा। क्रिश्चियनों का कुछ त्योहार होगा, क्रिश्चियन आएंगे, बांट के जाएंगे। जैन धर्म का कुछ धर्म होता है, वो आएंगे, वो बांट के जाएंगे। जिसका जिसका सब आते हैं, बांट के जाते हैं। इतने ही नहीं है, ईद में हम उनके यहाँ जाएंगे, ईद दिवाली में वो हमारे यहाँ आएंगे। कभी कभी ईद और दिवाली एक साथ मिलती है तो सारा त्योहार हम यही मनाते हैं। जब नाज मैडम थी तब भी ईद और दिवाली उतने ही उत्साह से मनाया जाता था और आज तक ये परंपरा को हम लोग लेकर चल रहे हैं। रामायण भी चलता था यहाँ पर और ईद भी होती थी तो बड़ा आश्चर्य लगता था। मैं तो रायपुर से आई थी, ऐसा कभी नहीं देखी थी। नायडू और नाज खान का परिवार एक साथ रहता है। नायडू विशुद्ध शाकाहारी है लेकिन नाज खान के परिवार वाले मांसाहारी है, लेकिन दोनों परिवारों की आस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। दोनों परिवारों को साथ रहते 45 बरस बीत चुके हैं। हम नौकरी भी करते थे, वो भी नौकरी करती थी। नौकरी करने के बाद में भी हमको जितना समय मिलता था हम उनके काम में सहयोग करते थे। उन्होंने बहुत काम किया है, इतना काम किया है कि हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इतना काम है यहाँ पर शुरू से लेकर अभी तक हुआ है। और हमारा स्टार्ट हम लोग 1975 में किए। उस समय तुलसीदास जी की जयंती चल रही थी शायद, तो हमारा उस समय क्या उद्देश्य था कि रामायण का घर घर में प्रचार हो। उस समय उद्देश्य यही था और उसी उद्देश्य को लेकर हमारे पास जगह नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके बाद भी हम लोग जितने 8-10 सदस्य थे आपस में अपने अपने घरों में रामायण करते थे और अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाते थे। इस प्रकार हमारा रामायण के पैसे में जो चढ़ोतरी होती थी उससे हम लोग नीलाम में वो जमीन को खरीदे थे। फिर 1976 से हम लोग महिला शिक्षा का वहाँ पर प्रारंभ किए। नायडू के आश्रम में बच्चों की पढ़ाई का खास ख्याल रखा जाता है। अभी यहाँ 148 बालिकाएं शिक्षा ले रही हैं। परामर्श केंद्र ने कई परिवारों को टूटने से बचाया। वो कहती है कि गांधी के विचारों से मिली समानता की सीख उनके काम का आधार है। यहाँ पर सारे धर्म को जैसे गांधी जी चाहते हैं कि सर धर्म एक है, वैसे ही हमारे सारे बच्चे सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं और हमेशा हर हफ्ते गांधी जी की आत्मकथा के बारे में कोई एक पाठ, एक कोई रोचक घटना गांधी जी के बारे की बच्चों को बताते रहते हैं।